केंद्र सरकार के नए आईटी नियम चालू होने के बाद भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में भगवान शिव पर जो चित्र को लेकर एक कंपनी के ऊपर दिल्ली में FIR दर्ज करवाया गया। दिल्ली निवासी मनीष ने यह फैसला इंस्टाग्राम के ऊपर तब लिया जब भगवान शिव के हाथों में लिक्विड वाइन मतलब शराब और मोबाइल को देखा। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, यदि आप अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड को सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, यदि आप कोई स्टिकर सेंड करना चाहते हो और आप सर्च करते हो शिवा, लॉर्ड शिवा या शिव, तो उसमें यदि आप देखोगे भगवान शिव का जो मूर्ति है उसके फ़ोटो है या उसके स्टिकर पर एक हाथ पर शराब और दूसरे हाथ पर मोबाइल, तो आपको कैसा लगेगा। और इंस्टाग्राम ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेला गया। इंस्टाग्राम पर भगवान शिव की एक फ़ोटो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इंस्टाग्राम पर एक यूज़र ने, दिल्ली निवासी मनीष सिंह ने, इंस्टाग्राम के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है जब स्टिकर में भगवान शिव के एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मोबाइल देखा गया। फिर मनीष ने बताया कि इस इमोजी के जरिए इंस्टाग्राम ने भगवान शिव की परंपरागत वेशभूषा और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेला है। इसी पर आपत्ति जताते हुए मनीष ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। भगवान शिव को गलत तरीके से चित्रित करने पर इंस्टाग्राम के ऊपर FIR हुआ है। स्टिकर इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करते समय यदि आप सर्च बॉक्स में शिव भगवान को सर्च करोगे या शिवा, लॉर्ड शिवा जैसे शब्द सर्च करोगे इमोजी स्टिकर पर, तो आपको वो शराब वाला जो शिव भगवान के एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर दिखाया गया है वो आपको दिख जाएगा, जिसमें भगवान की वास्तविक मूर्त और सूरत के साथ छेड़छाड़ किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये स्टिकर कोई यूज़र या कोई वर्कर या इंस्टाग्राम पर काम करने वाले कोई किसी और ने नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम के खुद मालिक ने ये स्टिकर ऐड किया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि जो GIF जो एनिमेटेड चलते रहता है उस पर हिंदू समुदाय का मजाक उड़ाना एकमात्र इरादे से बनाया गया है और जानबूझकर बनाया गया है। मनीष सिंह ने इंस्टाग्राम के CEO समेत अन्य कई बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज करवाने का अनुरोध भी किया है। मीडिया खबरों के अनुसार इंस्टाग्राम पर उपलब्ध स्टिकर को लेकर आई शिकायतें ये पहले बार नहीं है, बल्कि ऐसे कई बार हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कई सारे सोशल मीडिया के लिए नया गाइडलाइन जारी किया था और इसको सरकार को मानने के लिए बोला था। और यदि इसमें कोई भी विवादात्मक स्टेटस या कोई भी और स्टोरी, कुछ भी पोस्ट होता है तो इसका जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए जारी किए गए हैं जो वे यूज़र को अपने प्लेटफॉर्म पर डालने की अनुमति देते हैं। गौरतलब है कि IT नियमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शरारती ट्वीट जैसा संदेश भेजने वालों के लिए इंसान का खुलासा करने की ज़रूरत होगी। साथ में भारत की संप्रभुता और राज्य की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए गए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से इंस्टाग्राम लगातार, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो लगातार हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुँचाने और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अब सरकार को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई और कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है। FIR तो हो चुका है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि अमेज़न प्राइम ने क्या किया था, बीच में शिव भगवान के नाम पर ही तांडव मनाया था, जिसके बाद कितना बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद तो अमेज़न के आयल ही लग गए थे। क्या हुआ था आप सभी लोग जान, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो